गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर दोनों खिलाड़ी फिट हैं तो वो खेल सकते हैं, कोई भी खिलाड़ी खेलेगा या नहीं खेलेगा हम इतना पहले से नहीं बोल सकते। अगर रोहित और विराट फिट हैं, पूरी तरीके से वो फॉर्म में होते हैं, तो ज़रूर वो हमारे प्लान्स में शामिल रहेंगे। आपको बता दें 2027 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, और भारत 2023 वर्ल्ड कप के इतना करीब आया, फाइनल तक पहुंचा, फाइनल भारतीय टीम हार गई थी। तो अब 2027 वर्ल्ड कप दोनों खिलाड़ियों का सपना है, विराट कोहली का भी और रोहित शर्मा का भी। लेकिन इस बीच भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी और 1983 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले कृष्णाचारी श्रीकांत ने रोहित शर्मा को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। वो बात कर रहे थे यूट्यूब पर, वो अपने जो है विचार साझा कर रहे थे, तो उस समय कृष्णाचारी श्रीकांत ने कहा विराट कोहली तो एक चैंपियन खिलाड़ी है, वो तो ठीक है, वो 2027 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, लेकिन अगर रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलने गए तो वो बेहोश हो जाएंगे। इन अल्फाज का उन्होंने यूज़ किया है, इन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया कि अगर वो वर्ल्ड कप 2027 का खेलने जाते हैं तो साउथ अफ्रीका में रोहित शर्मा बेहोश हो जाएंगे। दरअसल ये उन्होंने मजाक में कहा, हंस करके कहा। उनके कहने का जो मुख्य मकसद यही था कि रोहित शर्मा उतना फिट नहीं, ऑलरेडी रोहित शर्मा 37 साल के हो गए हैं, 38 साल के होने वाले हैं, और रोहित शर्मा 2027 तक 40 साल से ऊपर के हो चुके होंगे और उस उम्र में वर्ल्ड कप खेल पाना बहुत मुश्किल होता। हालांकि विराट कोहली भी तब तक 39 साल के होंगे, 38-39 साल के, लेकिन विराट कोहली फिट हैं, रोहित शर्मा से ज़्यादा फिट विराट कोहली हैं, तो विराट कोहली के बारे में कहा जा सकता है कि वो खेल लेंगे, और उम्र में भी वो रोहित शर्मा से छोटे हैं, वो 2 साल कम हैं उम्र में, तो रोहित शर्मा विराट कोहली का तो समझा जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक फिट रहेंगे, क्या वो अवेलेबल रहेंगे, क्या उनकी जो फिटनेस 2023 में या 24 में है वो 2027 तक बनी रहेगी, क्योंकि किसी भी क्रिकेटर के लिए या किसी भी एथलीट के लिए 3 साल का समय बहुत लंबा वक्त होता है। 3 साल में बहुत कुछ हो सकता है, कोई भी खिलाड़ी अनफिट हो सकता है, और जो फिटनेस लेवल भी है वो 3 साल में बहुत ज़्यादा डिप करता है। शायद इसीलिए कृष्णाचारी श्रीकांत ने कहा है कि रोहित शर्मा के लिए 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाना बहुत मुश्किल है।